नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भरत मुंदड़ा और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल के आज के इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, आप सभी ने चिप्स तो खाया ही होगा, तो आज हम भी एक और चिप्स के बारे में रिव्यू करने वाले हैं, जिसका नाम है आपका 2M चिप्स, आपका विथ अमेरिकन क्रीम एंड ओनियन फ्लेवर में। तो आज हम इसी प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू करने वाले हैं, तो अगर आपको इस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी चाहिए तो इस वीडियो को एंड तक जरूर से पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले तो आते हैं कि दोस्तों, हमारा ये जो पैकेट है जो मेरे हाथ में है वो आपका 5 रुपये का है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है 5 रुपये। और इसको बनाने वाली कंपनी जो है वो है आपकी ग्लिट फ्री इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, जो कि आपकी कलकत्ता की है। और इसका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो उस कंपनी के अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में बनाया जाता है। तो बेसिकली ये एक आपका एक इंडियन ब्रांड है, इंडियन कंपनी है, और ये आपका एक इंडियन प्रोडक्ट है। तो ये तो हो गई दोस्तों इसकी कंपनी। अब आते हैं दोस्तों कि इसके इंग्रेडिएंट्स के ऊपर में। तो दोस्तों, इसके जो इंग्रेडिएंट्स है उसमें आता है दोस्तों आपका पोटैटो, जो कि आपका 56% होता है। फिर इसमें आता है आपका एडिबल वेजिटेबल ऑयल, जिसमें आपका राइस ब्रैन ऑयल रहता है। और फिर इसमें आता है दोस्तों आपका सीजनिंग्स, जिसमें आपका रहता है सुगर, आयोडाइज सॉल्ट, स्पाइसेस कॉन्डिमेंट्स यानी आपका ओनियन पाउडर, फिर आपका पार्सले, फिर इसमें आता है आपका मिल्क सॉलिड्स, चीज पाउडर, फिर इसमें आता है दोस्तों आपका जेलिंग एजेंट, एंटी गेजिंग एजेंट, फिर इसमें आता है दोस्तों आपका फ्लेवर इन्हेंसर और आपका नेचुरल एंड नेचुरल आइडेंटिकल फ्लेवरिंग सब्सटेंस। तो ये थे इसके दोस्तों इंग्रेडिएंट्स। अब आते हैं इसमें कुछ एलर्जी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन के ऊपर। तो इसमें जो एलर्जी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो है आपका कि इसमें आपका मिल्क, सोया, सल्फाइट एंड आपका वीट का ट्रेस इसमें आ सकता है। हालांकि मिल्क तो ऑलरेडी दिया हुआ है इंग्रेडिएंट में, पर बाद बाकी चीज़ों का जो अभी मैंने बताया उसका ट्रेस आ सकता है, क्योंकि ये जिस फैक्ट्री में बनता है मतलब उसमें और भी प्रोडक्ट्स बनते हैं जिसमें मिल्क, सोया एंड अदर, जैसे कि मैंने बताया, वो सब यूज़ होता है। तो शायद से हल्का फुल्का मतलब पार्टिकल्स आ सकता है मे बी। तो इसीलिए अगर आपको इन सब चीज़ों से एलर्जी है तो प्लीज़ इसे ट्राई मत कीजिएगा। तो दोस्तों, ये थे इसके एलर्जी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन एंड आपका इंग्रेडिएंट्स। अब आते हैं दोस्तों, ये कितने ग्राम का मतलब पैकेट है। तो ये आपका 10.5 ग्राम का पैकेजिंग है। और अब आते हैं दोस्तों इसके न्यूट्रिशन फैक्ट्स के ऊपर में। इसमें आपका जो एनर्जी है जो कि आपका कैलोरीज में है, और ये मैं आपको एस प्लस का 100 ग्राम का जो मतलब सर्विंग होता है उसके हिसाब से मैं बताऊंगा कि इसका जो 100 ग्राम का क्वांटिटी रहता है तो उसमें कितना आपको कैलोरीज मिलेगा। तो उसमें आपका जो 100 ग्राम में जो का जो कैलोरीज का जो क्वांटिटी है वो है आपका 541 कैलोरीज एज पर 100 ग्राम। और उसके बाद इसमें आता है दोस्तों आपका शुगर, जिसे कि कार्बोहाइड्रेट्स भी कहते हैं, और वो है आपका 55%, जिसमें से आपका एडेड शुगर रहता है 4.7 और टोटल शुगर रहता है आपका 4.7। इसमें दोस्तों फिर आता है आपका टोटल फैट, जो कि आपका 32.5 ग्राम रहता है, जिसमें से आपका सैचुरेटेड फैट 7.4 रहता है और बाद बाकी आपका ट्रांस फैट आपका 0.2% रहता है। तो दोस्तों, अब आते हैं इसके सोडियम में कि इसमें कितना सोडियम रहता है, जो कि आपका मिलीग्राम में दिया गया है। तो वो आपका रहता है इसमें आपका 630 मिलीग्राम के हिसाब से इसमें सोडियम रहता है। तो ये थे दोस्तों इसके डिटेल्स। अब दोस्तों आते हैं कि ये बेच है कि नहीं। तो ये दीजिए, यहाँ पे आपका वेज का साइन दिया गया है, तो ये वेज है। और अब आते हैं दोस्तों ये कैसे दिखता है और कैसा नहीं है, हालांकि चिप्स तो चिप्स जैसे ही दिखेगा। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसा है। तो देखिए, ये गैस मैंने सब खोल लिया है, और ये जैसा कि मैंने दोस्तों निकाला है, तो जैसे कि इसमें आप
देख सकते हैं इस तरीके से है, इसका हल्का हल्का सीजनिंग दिख रहा है मुझे ग्रीन ग्रीन है ना पार्सले ओवर का बात। बाकी अब मैं इसे टेस्ट करता हूँ कि ये कैसा है और कैसा नहीं। तो इसको खाने के बाद मतलब टेस्ट में जो ऐसा लग रहा है कि जैसे इसमें ओनियन और जो इसका क्रीम वगैरह है तो उसका तो आपका टेस्ट मतलब अराउंड 50% टोटल, मतलब 25% ओनियन एंड 25% आपका क्रीम का 50% जो हो रहा है वो सारा टेस्ट में आ रहा है। तो और बात करके इसका अगर चिप्स का एंड ऑयल वगैरह का टेस्ट है वो सब आ रहा है। तो बेसिकली ज़्यादा क्रीमी तो है नहीं बट हाँ ओके है, तो मुझे उतना तो अच्छा नहीं लगा बट हाँ ठीक है। जैसे टेस्ट अगर हल्का फुल्का टेस्ट आ रहा है एकदम मतलब ज़्यादा हैवी टेस्ट नहीं आ रहा है, हाँ एकदम हल्का फुल्का टेस्ट आपका आ रहा है तो मुझे तो ये प्रोडक्ट ठीक ही लगा मतलब ओके है। बात बाकी आपने भी अगर ट्राई किया है तो मुझे बताइएगा कि आपको इसका टेस्ट कैसा लगा नीचे कमेंट में कमेंट करके। बात बाकी इसको मैं क्वालिटी के हिसाब से मैं अराउंड 100 में से आपका 60 दूंगा इन क्वालिटी। और दोस्तों बस एक यह चीज़ बोलूँगा कि इसमें आपका जो फैट है मतलब जो ऑयल यूज़ किया जाता है पाम ऑयल की जगह इसमें आपका राइस ब्रांड यूज़ कर किया जाता है तो ये बेसिकली थोड़ा सा हेल्दी है बाकी चिप्स के मुकाबले, तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। तो बस इस प्रोडक्ट से रिलेटेड बस इतना ही हमारा था प्रोडक्ट रिव्यू। आई होप सो आपको ये प्रोडक्ट रिव्यू अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर से दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो दोस्तों अब मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।